एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रतलाम पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। बुधवार को भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ घंटानाद प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शंख और घंटियां बजाकर कमलनाथ सरकार के अब तक के कार्यकाल को झूठ का पुलिंदा बताया। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 8 महीनों की उपलब्धियां बताते हुए कहा, कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास लेकर आई है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पत्रकार बंधु, आज एक बहुत ही अहम बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्यकाल को झूठ का पुलिंदा बताया। लड़ चुके हैं, हो चुकी है, डीजल की कीमतों की बात करना बढ़ चुकी है, करती हूँ तो रुपया बहुत ज्यादा, अगर मैं जीडीपी की बात भी जो है वो बहुत ज्यादा, अगर मैं मैन्युफैक्चर बैंकिंग की बात करती हूँ, ऑटोमोबाइल करती हूँ, तो ये सारे बिल्कुल पूरे तरीके से ऐसी ही नरेंद्र मोदी डपली और खुद के राज के सामने प्रश्न बढ़ चुकी है, हो चुकी है, अगर मैं जीडीपी की बात भी जो है वो बहुत ज्यादा, अगर मैं मैन्युफैक्चर बैंकिंग की बात करती हूँ, ऑटोमोबाइल करती हूँ, तो ये सारे आते हुए बहुत खुशी हो रही। कांग्रेस 8 महीने का ब्योरा कर रही हूँ, उस सर्किल से अगर मैं 3 महीने हटा देती हूँ, ये मात्र 5 से प्राप्त हुआ है। मैं हमारे कमलनाथ जी की सरकार इंदौर 6 प्रोजेक्ट के लिए, कमलनाथ जी का कि भोपाल सके सेटल, और साथ ही कि पिछले 94 कंपनियों ने आया है, जिसके 1000 करोड़ का जिसको प्राप्त होने वाला। साथ ही अगर मैं योजना की बात करती हूँ, कमलनाथ जी का कि भोपाल उस प्रोजेक्ट के लिए रह सके सेटल, और साथ ही कि पिछले 94 कंपनियों ने 1000 करोड़ का जाया है, जिसके इसको प्राप्त होने वाला। साथ ही अगर मैं योजना की बात करती हूँ कि भोपाल कमलनाथ जी का उस प्रोजेक्ट के लिए, और साथ ही कि पिछले 6 महीने का बावजूद भी जल कल जन मल्लाद जी ने लागू किया है। अगर मैं भी हूँ तो बहुत 100 यूनिट खपत होती है। मैं किसानों के बिल है वो आधा कर दिया गया। सुरक्षा की बात करती हूँ तो आए हैं कि 11 पर ही एक पिता अपने पति अपनी पत्नी के नाम पर है, तो ऐसे करोड़ों रुपए का निवेश है, मध्य माफी हुई है, तो अगर 8 महीने के कार्य प्रस्तुत किया है इन्होंने कमलनाथ जी की सर दी है। कई ऐसी योजना है जो कई बेरोजगार की कमलनाथ जी किसी कोई भी योजना को बंद की, हर योजना की समीक्षा, उन योजनाओं को दुरुस्त और कदम उठाए जा रहे हैं। हमें खामियां भी थी, योजना की बात करती हूँ, दुनियाओं को इसका फायदा हमारी सचाया है। अगर मैं करती हूँ तो राशि को 28,000 कर दिया गया है। की बात करती हूँ तो कंपनी है कि अगर आपने युवाओं को रोजगार नहीं, उन्हीं को सब्सिडी प्राप्त नहीं। अगर मैं आदिवासी कल्याण महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, किस करती हूँ, तो 8 राज्य की सरकार ने मध्य प्रदेश में कर ये सभी नहीं जो इसमें लगेगा। बात ये है कि कमल ऐसे ही वो योजना बनाते हैं, बना देते हैं,
जिस दिन हमें प्राप्त हुए हैं कंपनी 20,000 करोड़ रुपए निवेश, जितनी भी योजनाएं हैं वो जल्दी मूर्त रूप ले लेंगे। और ये कुछ योजनाएं भी बनाए कई जेंट्स बेरोजगार भी योजना बंद नहीं हुई। नरेंद्र मोदी की शैली में काम नहीं तो महात्मा गांधी राजना की बुराई वो करते हैं। संसद कहते हैं कि ये सबसे बेहतर योजना बना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है तो 62,000 घर क्या योजना बंद हुई बल्कि तो रूप में लागू करना चाह रहे हैं हमारी सरकार की कोशिश। भ्रामक स्थिति है और इच्छा फैला रही है। आप इन्हीं के अंदर कोई भी सरकार जादू की छड़ी हमारे पास नहीं। इच्छा शक्ति कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति के परिणाम है कि किस सेक्टर में हमने गौरतलब है कि आगामी नगरी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां कांग्रेस जनता के बीच विकास का मुद्दा लेकर जा रही है, वहीं भाजपा इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए नाकाम सरकार बता रही है। रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।